पेट का फैट कम करना है, वही बात आ गई। पेट का फैट अगर से टिप्स देंगे जो 100% नहीं 110% असरदार। जय हिंद दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और असरदार होने वाली है। महत्वपूर्ण इसलिए कि आज की वीडियो होगी हमारी फैट को यानी चर्बी को लेकर, और दूसरा असरदार इसलिए कि आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स देंगे जो 100% नहीं 110% असरदार होंगे। दोस्तों आजकल क्या हो रहा है, आजकल उम्र युवा की 20-25 साल होती नहीं कि फैट आना शुरू हो जाता है। कोई बोलता है कि मेरे साइड में फैट आ गया, कोई बोलता है मेरे लोअर एब्डोमेन पे फैट आ गया, किसी का पूरा ही पेट बाहर आ गया। कारण मुख्य कारण है फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होना, और दूसरा कारण है हमारा खान पान सही ना होना। ठीक है दोस्तों, पहले क्या था, पहले हमारे बड़े बुड्ढे थे, हमारे बाबा परदादा थे, खूब पैदल चलते थे। आजकल मशीनरी का युग है, आजकल थोड़ी थोड़ी दूर पे भी बाइक उठा के चलते हैं। ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होगी हमारी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइज ऐसी बताऊंगे जो बहुत ही असरदार होगी और मुख्य रूप से पेट के लिए होगी, जिससे आपका पूरा ये कोर मसल मजबूत होगा और आपका पेट एक अच्छी शेप में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो दोस्तों पहली एक्सरसाइज हमारी होगी केबल क्रंचेस। इसको आप रोप में भी कर सकते हो और इसको आप हैंडल लगा के भी कर सकते हो। पहली एक्सरसाइज हम इसलिए करते हैं कि इससे हमारा पूरा वार्म अप हो जाता है और इजी भी है, बहुत इफेक्टिव है और इजी भी है। आप कोई भी इसको कर सकता है। करने का तरीका क्या है, इसको नीचे मैट डाल लो, ऐसे घुटने के बल बैठ जाओ ऐसे ये, और जब आप ऊपर से वेट को लेकर आते हो तो नीचे जाते टाइम पूरी सांस बाहर करना है ये। नीचे ऊपर आते टाइम सांस लेनी हो, नीचे जब आप डाउन जाते हो पूरा ये एक कोशिश करना है, अपने ये एल्बो टच करना है जमीन में ये, और इनका मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आप ऊपर से चलो सांस भरते शुरू करेंगे और जब डाउन जाएंगे तो सांस को बाहर निकाल देंगे ये। रैप और वेट अपनी क्षमता के हिसाब से ले सकते हो आप। तो दोस्तों अब चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज की, और दूसरी एक्सरसाइज हमारी होगी डिक्लाइन क्रंचेस। कैसे करना है इसको, तो जब आप पैर उठाते हो तो सांस लेना है, और पैर जब ऊपर लेकर जाते हो तो सांस बाहर करना है। कैसे है देखो, इसमें ध्यान रखना है थोड़ा सा ऊपर तक जाना है, वहां तक ऊपर जाना है जहां तक आपका ये ग्लूट ऊपर उठ जाए, या आपकी लोअर बैक ऊपर उठ जाए पूरी ये ऐसा। तो दोस्तों चलो चलते हैं तीसरी एक्सरसाइज की ओर, और जो भी एक्सरसाइज होगी पूरी इफेक्टिव एक्सरसाइज होगी। जो ये बोलता है ना कि मुझे असर नहीं पड़ता मेरे एब्डोमेन पे, मैं एब्डोमेन करता हूं मुझे असर नहीं पड़ता, तो वही करके देखना, असर पड़ेगा पक्का। तीसरी एक्सरसाइज हमारी होगी हैंगिंग लेग राइज। ठीक है, या फिर उसकी जगह आप हैंगिंग नी अप भी कर सकते हो। चलो चलते हैं। तो दोस्तों कोशिश करना है, अगर हो जाए तो पैर सीधे रखने हैं, अगर सीधे नहीं रखने तो घुटने मोड़ कर करना है। ठीक है, ये ऐसे कोशिश करना है पैर थोड़े ऊपर तक उठाने के लिए। ठीक है, जितने पैर ऊपर उठेंगे आपके उतने ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो इसकी जगह आप नी अप भी कर सकते हो, घुटने मोड़ का भी कर सकते हैं। यस, तो ये भी आप कर सकते हो। इसमें भी वही है, जब पैर नीचे होते हैं तो सांस भरो, और जब पैर ऊपर उठ जाए पूरे तो सांस बाहर निकाल दो। तो सांस लेने का तरीका इसमें ये रहेगा। अगर किसी से ऐसा नहीं होता, इसको आप पैरेलल बार में भी कर सकते हो। आओ करके दिखाते हैं कैसे करना है। ये देखो ऐसे, पैर पूरा पीछे नहीं जाना ये। कोई कोई क्या करता है पैर ऐसा लेकर जाता है, वो गलत है। पैर बॉडी के सीध तक लेकर आओ, अपर बॉडी के सीध तक पैर लेकर आओ, तुरंत वापसी। ये पैर सीधे करके थोड़ा टप पड़ता है, आप इसको घुटने मोड़कर भी कर सकते हो ऐसा ये। ऐसा भी आप कर सकते हो। तो बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है और मेरी फेवरेट भी। तो दोस्तों चलो चलते हैं अब चौथी एक्सरसाइज की ओर। क्या होगी, आ जाओ। एक्सरसाइज होगी हमारी फ्लोर एब्स क्रंच। इसको आप
अपर एब्स के लिए भी बोल सकते हो। कैसा करनी है ये? इसमें हमारे घुटने मुड़े रहेंगे और कैसा मूवमेंट करना है इसमें देखो, हाथ को आप यहां भी लगा सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो और ऐसे भी रख सकते हो एब्स के ऊपर, ठीक है। कैसे करना है? जब आप ऊपर जाओगे तो सांस बाहर निकालना है और नीचे से सांस भरना है, ऐसे। ऐसे भी करके कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये भी एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव, सारी एक्सरसाइज इफेक्टिव बताऊंगा, ठीक है। जो भी एक्सरसाइज आप करोगे उसमें तुम्हें करते ही पता चल जाएगा कि आज कुछ पेट के लिए तुमने किया है, ठीक है। चलो दोस्तों फिर चलते हैं अभी पांचवी एक्सरसाइज की ओर। दोस्तों पांचवी एक्सरसाइज हमारी होगी, हम करेंगे इससे व्हील से, ठीक है। इसको बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हो एब्स व्हील रूलर, ठीक है। कैसा करना है इसको? इसको ये सबसे पहले तो आप अपने रिस्ट को ऐसे रखें, ऐसा ना रखें, ऐसे रखें, ठीक है। टाइट पकड़ना है इसको व्हील को और बॉडी को सीधी रखना है, ऐसे कमर को सीधी रखना है और धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है, ऐसे ही ये। जहां तक आपसे जाया जाए वहां तक जाना है और इफेक्ट लेकर करनी है पूरी, पूरे पूरा आपके कोर पे ही जाएगा इसका इफेक्ट, धीरे धीरे जाना है। यहां से सांस भर कर चलना है और वापसी में आकर यहीं छोड़ना है। कोशिश करनी है जहां तक आपकी लिमिट है वहीं तक जाना है, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करना है इसको, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेट रैप अपनी क्षमता के हिसाब से रखें, ठीक है। और दोस्तों छठी एक्सरसाइज हमारी होगी प्लैंक, बहुत धुआंधार एक्सरसाइज है, वैसा ज्यादातर करते ही होंगे, जो जिम करते हैं उसको पता ही होगा प्लैंक कैसे करना है। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, आप इसको डेली करो और धीरे धीरे घड़ी सामने रखो और धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाओ। जैसा आज एक मिनट किया, कल एक मिनट पांच सेकंड करो, परसों दस सेकंड करो, ऐसे धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ इसमें। तो पहले आप बॉडी वेट से करो, अपने बॉडी वेट प्लैंक करो, उसके बाद आप कमर पर वेट रख कर भी इसको कर सकते हो। बहुत तगड़ी एक्सरसाइज है, पूरे कोर के लिए, पूरा मजबूत हो जाएगा आपका। चलो शाबाश, शुरू करते हैं। कैसे करना है? ये कोहनी के बल अपनी बॉडी को रोकना है, बॉडी ऐसे नहीं उठानी, अपने ग्लूट ऊपर नहीं उठाने, ये हिप्स ये बिल्कुल सीध में रखनी है, एक बॉडी बिल्कुल ऐसे सीध में रखनी है ये, और ऐसा करना है। और सामने घड़ी रख लो और टाइम देखो, डेली टाइम देखो इसमें, डेली आप धीरे 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 कोशिश करो, एक सेकंड दो सेकंड धीरे धीरे रोज बढ़ाओ इसको, तो जितना आप बढ़ाओगे उतने ही आप फिट होते चले जाओगे। तो दोस्तों प्लैंक आपको ऐसा करना है, बहुत तकड़ी एक्सरसाइज है, करते ही आपको पता चल जाएगा। दोस्तों ज्यादातर एक धारणा बनी हुई है कि अगर मैं पेट की एक्सरसाइज करूंगा तो मेरा पेट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपकी मसल डेवलप होती है, आपकी मसल में अच्छी लुक आती है, आपकी मसल में टाइटनेस आती है, ये नहीं कि आपका फैट कम हो रहा है उस मसल का। तो ये ज्यादातर हमारे जिम में भी आते हैं मेंबर, बोलते हैं भैया पेट बहुत बढ़ गया, पेट की एक्सरसाइज बताओ। तो ऐसा नहीं कि भाई आप पेट की एक्सरसाइज करोगे तो आपका पेट का ही फैट कम हो जाएगा, आपका फैट ओवरऑल कम होगा पूरी बॉडी का, ठीक है। जितनी आप अपनी एक्टिविटी में कैलोरी खर्च करोगे उसके हिसाब से आपका फैट बर्न होगा, चाहे आप एक्टिविटी कुछ भी करो। हाँ ये है, आप जिस मसल का वर्कआउट करोगे वो आपका मसल अच्छी शेप में आएगा और मसल भी डेवलप होगा। तो दोस्तों सातवीं एक्सरसाइज हमारी होगी डिक्लाइन क्रंचेस। कैसा करना है इसको? तो इसमें पैर फंसा के ऐसा करना है, जब आप डाउन जाओगे सांस भरना है, ऊपर आओगे सांस बाहर निकालना है। कोई कोई क्या करता है, पूरा ऐसा टच करता है, ऐसा उठता है, वो गलत है, उससे आपका कहीं ना कहीं आपकी लोअर बैक में पेन आने की संभावना हो सकती है, ठीक है। ऐसा करना है, करने का सही तरीका ये है, कोशिश करना है यहां थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करना, ऐसा करना है इसको, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है ये भी। तो दोस्तों ये थी सातवीं एक्सरसाइज, आप एक एक्सरसाइज और भी कर सकते हो, वो कर सकते हो आप सिटअप्स, बिल्कुल फ्लोर पर मैट डाल के सिटअप्स। कैसे करना है वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ।
तो ये हमारी टोटल 8 एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, सिटअप्स कैसे करना है, सिटअप्स में भी कई बार बिगनर्स गलती करते हैं, सिटअप्स कैसे करना है, सिटअप्स करते टाइम ध्यान रखना है वही सांस की प्रक्रिया वही रहेगी, जब आप ऊपर जाओगे सांस बाहर निकाल लोगे। कैसे करना है, ज्यादातर करते हैं ऐसा पूरे, ये तो ये मोमेंट गलत है, इसमें वही मैंने बताया था कि लोअर बैक में पेन आने की संभावना रहती है, झटका लगता है इसमें, तो आपको करना है इस तरीके से, इस तरीके से आपको सिटअप्स करने हैं। आपको पूरा फ्लैट नहीं लेटना, बस हल्की लोअर बैक टच करनी है और उठ जाना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये टोटल 8 एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज सारी बहुत इफेक्टिव है, एक्सरसाइज वैसे सारी अच्छी होती है, गलत होता है हमारा करने का तरीका। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज सही तरीके से करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे। तो दोस्तों कई दोस्तों के कॉमेंट्स भी आए थे, एक अक्सुल त्यागी भाई है उनका भी कॉमेंट्स आया था, कई बार कॉमेंट्स आ गया कि भैया पेट की एक्सरसाइज बताओ। तो दोस्तों ये थी पेट की एक्सरसाइज, 8 एक्सरसाइज हमने बताई जो सारी बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ठीक है, सेट रैप आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, आप अपनी क्षमता के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो। ठीक है, और ये एक्सरसाइज आप करके जरूर देखना, अगर आप पेट की एक्सरसाइज करते हो, आपको पेट का फैट कम करना है, वही बात आ गई, पेट का फैट अगर आपको करना है तो ये एक्सरसाइज जरूर करना, लेकिन ये नहीं कि भाई इन्हीं एक्सरसाइज से आपका पेट का फैट कम होगा। पेट का फैट आपका कम तभी होगा तब आप अपनी डाइट अच्छी करोगे और अपना अपनी ओवरऑल एक्टिविटी बढ़ाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करियो, शेयर करियो, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर कोई चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।